सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप लोगों की तरफ से बहुत सारे सवाल किए गए हैं, बहुत सारे कमेंट की गई हैं, और उनमें से कुछ कमेंट ऐसी हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है। और जो है, जो सवाल थे मैंने उन पर कुछ रिसर्च किया है और उनके जो है जवाब देने की मैं आपको कोशिश करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले जो है मैं आपको यहाँ पर बता दूं, एजाज खान ने उन्होंने पूछा है, भाई फ्रॉड एजेंट टिकट के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि आप जो है टिकट खरीद रहे हैं, जिस एजेंट से भी आप ले रहे हैं, मैंने भी बात की थी, मुंबई बात की थी, दिल्ली बात की थी, लखनऊ बात की थी, तो जिस एजेंट से भी आप अपना टिकट खरीद रहे हैं, तो आप अपने रिस्क पे लें और उसी एजेंट से आप जो है टिकट लें, या उस ट्रेवल एजेंसी से टिकट लें जिस पे आप भरोसा करते हैं, या कोई आपका जानने वाला हो या आपके शहर में हो। आप जो है किसी भी नए आदमी को पैसे ना दें। देखिए, आपके पैसे हैं, आप इसके बारे में जो है सोच के चलें थोड़ा सा, क्योंकि 30,000 से लेके 40,000 तक का जो है टिकट मिल रहा है, और फ्लाइट्स के बारे में अभी भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली है। जो है वहाँ पे बात हुई, मेरे कुछ लड़कों से भी बात हुई इंडिया में, तो वो यही बताया उन लोगों ने कि हम जो है अभी 2-3 दिन में जो है इसके बारे में बता देंगे, पर बहुत एजेंट जो है इसमें पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसे लोगों से आप बचें बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो डिटेल है फ्लाइट की, चार्टर फ्लाइट की, ये कहीं पे भी मौजूद नहीं होती है। सुबह भी मैंने इस पर जो है वीडियो बनाई थी, जो एयर इंडिया है वहाँ पे भी लोगों ने पूछा, सऊदी एयरलाइंस से मैंने खुद ट्वीट करके पूछा इसके बारे में, तो वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिला है, क्योंकि चार्टर फ्लाइट की कोई भी डिटेल मौजूद नहीं है इंटरनेट पे। और जो नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट होती है उसकी जो शेड्यूल वगैरह होता है वो आप चेक कर सकते हैं, पर चार्टर फ्लाइट के बारे में कोई भी डिटेल मौजूद नहीं है। तो आप जो है, जो ऑथेंटिक एजेंसीज हैं या आपका कोई एजेंट जानने वाला है आपका शहर का है, तो उन्हीं लोगों पे जो है भरोसा करें और उन्हीं से टिकट खरीदें। किसी भी नए आदमी को आप अपना पैसा ना फंसाएं, वरना तो आपका नुकसान हो सकता है। साफ फैसल है, उन्होंने जो है सवाल किया है, भाई बताओ सऊदी में जो लोग जेल में हैं उनकी फ्लाइट कब होगी, प्लीज कुछ पता करके बताइए। देखिए, उनका सवाल यह है कि जो लोग जेल में हैं अभी सऊदी अरब की, या तरहील से जो है वो जाना चाहते हैं, या हरूब है, या कोई और उनके साथ मसला था जो जेल के अंदर थे और वो जो है बस इंतजार कर रहे थे अब जाने का, तो कोरोना वायरस की वजह से जो है, और जो सफरी पाबंदी की वजह से वो नहीं जा पा रहे थे, तो वो कब तक जा पाएंगे। तो देखिए, ये जो है थोड़ी ही देर पहले अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में जो एक अच्छी खबर आई है, और इंडियन एम्बेसी की तरफ से ये ट्वीट करके जो है बताया गया है, पे एक प्रेस रिलीज की गई है, 19 सितंबर की जो है ट्वीट है, अभी थोड़ी ही देर पहले आया था ये। तो इसमें देखिए, उन्होंने बताया है कि जो लोग अभी यानी इंडियन है जो डिपोर्टेशन सेंटर में मौजूद हैं, हुरूप लगा था उन पर, या तरहील से वो जाना चाहते हैं, देखिए उनके बारे में यहाँ पे बताया है कि पहला बैच जो है उन्होंने भेज दिया था, लगभग 500 लोग जो है भेजे थे उन्होंने मई 2020 में, ठीक है। अब उसके बाद जो है, अब इन्होंने जो खबर दी है अभी, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि वो जो है अभी फ्लाइटों का अरेंजमेंट कर रहे हैं, और जो क्वारंटीन की फैसिलिटी है इंडिया में जाने के बाद में उसके बारे में वो जो है सोच रहे हैं अभी। और पहला बैच जो है रियाद से चेन्नई के लिए जाएगा, जो कि यानी 24 सितंबर के लिए उन्होंने फ्लाइट इसका शेड्यूल जो है बनाया है, यानी 24 सितंबर को रियाद से चेन्नई के लिए वो लोग जाएंगे जो फर्स्ट फ्लाइट होगी, जो लोग यानी तरहील से जाना चाहते हैं या हरूप से जाना चाहते हैं, या जेल में उनकी जो है सजा पूरी हो गई थी, अब जो है वो इंतजार कर रहे थे अभी यानी इंडिया जाने के लिए, तो उनके लिए अच्छी खबर है ये कि 24 तारीख में पहला जो है बैच चला जाएगा, उसमें जितने भी लोग ये भेजे यहाँ से। और इंडियन एम्बेसी ने जो है इसमें मजीद बताया है कि डिपोर्टेशन सेंटर के वो टच में है, और जैसे ही कोई और खबर आएगी या और कोई बैच बनेगा इसके बारे में बहुत जल्दी ही बता दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है सवाल किया है मोहम्मद अरशद ने, उन्होंने पूछा है जिनका वीजा स्टाम्पिंग हो चुका था उनका क्या होगा भाई। तो देखिए, जिन लोगों का नया वीजा स्टाम्प हुआ था तो इंशाल्लाह घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो स्टाम्प हुआ है आपका वीजा वही वीजा जो है काम आ जाएगा, जहां से आपने उसको स्टाम्प कराया है। जैसे ही नॉर्मल फ्लाइट खुलेंगी, अभी मान के चलिए आप जनवरी 2021 तक ही जो है ये काम हो पाएगा नया वीजा वाला, क्योंकि नए वीजा के बारे में जो है कोई भी अभी लेटेस्ट अपडेट नहीं आई है। जैसे ही जो कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह वीडियो बना करके हम बता देंगे, पर जो वीजा आपका यानी लगा था तो अब तो वो एक्सपायर हो गया होगा, लगभग 4, 5 या 6 महीने हो गए होंगे उसको एक्सपायर हुए भी, पर वही वीजा जो है आपका काम आ जाएगा, जहां से आपने उसको स्टाम्प जो है कराया था आप जो है वहां पे उसको देंगे दोबारा से, और जो भी कोई फीस वगैरह होगी 1-2 हजार या 3 हजार या जो भी फीस होगी वो जमा करने के बाद में जो आपका वीजा लगा हुआ है पुराना, उसी के ऊपर जो है वो नया वीजा चिपका देंगे नई डेट के साथ में, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। और सवाल किया गया है, भाई लखनऊ से सऊदी अरब की कोई चार्टर फ्लाइट जा रहा है क्या 27 से 26 सितंबर को, मेरे वीजा का डेट 30 सितंबर तक, रिप्लाई करें। तो देखिए, इसमें जो है उन्होंने सवाल पूछा है कि लखनऊ से कोई 27 तारीख में या 26 तारीख में
कोई चार्टर फ्लाइट जा रही है, तो देखिए मैंने उसके लिए पूरी वीडियो बनाई थी कल, अगर आपने नहीं देखी है तो उसमें देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें मुंबई बात की थी, दिल्ली भी बात की थी और लखनऊ भी बात की थी चार्टर फ्लाइट के लिए। तो देखिए मैंने जो है यहाँ पे बात की थी मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में, तो वो जो है वीडियो आप देख सकते हैं कल वाली, आपको उसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। और उसमें मैंने मोबाइल नंबर भी दिए हैं जिन लोगों से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कोई भी क्लियर करके नहीं बताया था कि कौन सी फ्लाइट है, बस उन्होंने बताया कि हाँ जो है फ्लाइट जाएगी 23 तारीख में बताई थी, 25 तारीख में, 28 तारीख में, पर उन्होंने ये नहीं बताया था कौन सी एयरलाइंस है। उन्होंने कहा था कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जैसे ही कुछ पता चलेगा इसमें हम लोग आपको बता देंगे। तो देखिए जो लोग लखनऊ से आना चाहते हैं या दिल्ली से आना चाहते हैं तो वो जो है मेरी कल वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें मोबाइल नंबर भी मैंने दिया है, आप जो है उनसे जाके बात भी कर सकते हैं और मजीद जानकारी वहां से आप ले सकते हैं। और एक और सवाल क्या है अकबर हुसैन की तरफ से, भाई इंडिया से सऊदी आने के बाद क्वारंटाइन होगा सऊदी में? जी बिल्कुल होगा, अगर जो है आप इंडिया से आते हैं सऊदी अरब के लिए तो उसकी पूरी कंप्लीट मेरी जो है मैंने वीडियो बनाई थी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। जो है 7 रूल्स रेगुलेशन है जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा यहाँ सऊदी में आने के बाद, उसमें ये भी है कि 7 दिन के लिए आपको क्वारंटाइन रहेंगे आप, होम क्वारंटाइन, और जब 4 दिन पूरे हो जाएंगे तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लोग हैं वो आएंगे और आपका जो है टेस्ट होगा, PCR टेस्ट होगा। नीर आलम ने सवाल किया है भाई न्यू वीजा का फ्लाइट कब तक ओपन होगा फ्रॉम इंडिया टू सऊदी अरब? तो देखिए मुनीर भाई अभी तक जो है न्यू वीजा के बारे में कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं आई है, क्योंकि अभी जो लोग यहाँ से फरोजोदा पे गए हैं अभी इंडिया के लिए वही लोग जो है अभी सऊदी अरब के अंदर आ रहे हैं, और जो है जब फ्लाइट खुलेंगी तब वो लोग आएंगे, अभी चार्टर फ्लाइट वगैरह चल रही है तो उससे लोग आ रहे हैं अभी। पर न्यू वीजा के बारे में तो आप मान के चलिए जनवरी 2021 में ही ये काम हो पाएगा। परवेज अख्तर ने सवाल किया है मैं इंडिया में हूँ, क्या कंपनी चाहे तो एक काम और एग्जिट री एंट्री वीजा बढ़ा सकती है? तो देखिए परवेज भाई यहाँ पर जो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो एकामा है आपका वो आपकी कंपनी नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि जो एकामे को बढ़ाने का प्रोसेस है वो यही है कि जिस बंदे का एकामे को बढ़ाना है वो सऊदी अरब के अंदर मौजूद होना चाहिए। पर अभी जैसा कि आप जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से लोग अपने मुल्कों में जो है फंस गए हैं, तो अभी गवर्नमेंट ही इसको एक्सटेंड कर रही है। और अगर बात करें यहाँ पे फरोजोदा की, तो देखिए अक्षर अकाउंट पे जो है कुछ लोगों ने सवाल किया था इसके बारे में, तो कुछ लोगों को जो है ये जवाब दिया गया था कि ऑटोमेटिक जो है इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, पर कुछ लोगों को यहाँ पे ये बताया था कि जो कफील है कंपनी है अपने अफसर अकाउंट से भी उसको एक्सटेंड कर सकती है। तो देखिए एकामा जो है वो गवर्नमेंट ही बढ़ाएगी, और चाहे तो इसमें ट्राई कर सकते हैं आप अपनी कंपनी को या कफील को बोल सकते हैं कि आपके एकामे को और फरोजोदा को वो अपने अफसर अकाउंट से बढ़ाने की जो है कोशिश करें। तो देखिए ये कुछ सवाल जवाब थे, मैंने आपको इनके जो है जवाब देने की कोशिश की है, और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आता है फ्लाइट से रिलेटेड, सऊदी अरब से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे जो है पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर रिसर्च करके मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।